सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखो। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, तो मौन रहना भी किसी साधना से कम नहीं। आज का पंचांग 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात्रि 8:23 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 2:23 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:27 से 9:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:44 तक रहेगा। आज अमृत काल सुबह 9:16 से 10:59 तक रहेगा। और आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 8:52 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार, अपने सब विचारों को एक साथ रखकर सोचें। इससे जो निष्कर्ष निकलेगा उससे आपको स्थितियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। अपने आप को उन चीजों में ना फंसने दें जिनमें आप विश्वास नहीं रखते, इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएं। इधर उधर की हाँकना आपकी आदत नहीं है, इसलिए कई बार आपको न चाहते हुए भी यह करना पड़ता है। बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है, आपके दिमाग में नई योजनाएं उपजेगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसकी वसूली संभव है। घर की किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। नकारात्मक नजरिए से बचना होगा। आज केवल काम पर ध्यान दें। काम से जुड़ी हुई हर एक बात ठीक से समझने की कोशिश करें। व्यक्तिगत जीवन में अपने आप सुधार नजर आएगा। अभी के समय में केवल काम संबंधित बातों को महत्व देने की कोशिश करें। करियर संबंधित दिक्कतें जल्द ही दूर होगी। रिलेशनशिप संबंधित चिंता छोड़कर अपनी अपेक्षाओं पर ध्यान देना होगा। लो बीपी से संबंधित समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह लें। सावधानियां, कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे मानसिक सुकून मिलेगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। व्यर्थ प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। आप किसी अलग संस्कृति या किसी दूसरे देश के रहने वाले के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आप इस आदमी के लिए काफी उत्सुक और भावनात्मक अनुभव करेंगे। जब आप इस आदमी के साथ होंगे तो आपको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो इस संबंध को जल्द ही कोई ठोस रूप भी मिल सकता है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। बात करते हैं करियर की। कारोबारी मामलों में कुछ न कुछ व्यवधान आते रहेंगे। किसी पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग व सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी, इसलिए उनकी किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से घर में भी ऑफिस का काम करना पड़ सकता है। कार्यालय का प्रेम आपको एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है, लेकिन कार्यालय काम करने के लिए है, अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं। यह आपको याद रखने की जरूरत है। आपके सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे, यह एक मुंह हो सकता है। अपने काम पर ध्यान लगाएं और अगर ये होना है तो यह निश्चित रूप से होगा, अन्यथा यह बुलबुले की तरह से फूट जाएगा। निष्पक्षता पूर्वक इसे लें। बात करते हैं सेहत की। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखों का विशेष काम है। जिनको ज्यादा पढ़ने फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखें जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। आज का उपाय,
आज अब शंकर भगवान जी की पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।